Hello viewers, so here we are back with new web device Hookah Air by Fumitech. So आज की इस वीडियो में जी अनबॉक्स करने वाले हैं Fumitech का न्यू वेब हुक्का एयर। ये मोड डिवाइस है, ठीक है, काफी ही यूनिक से स्टाइल में, काफी ही जो है ना गुड लुकिंग स्टाइल में, एक जो है ना जैसे हुक्के का या शीशे का पाइप होता है उस स्टाइल की डिवाइस है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, मतलब मोड डिवाइस, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर जल्दी से जाइए इसकी स्पेसिफिकेशन, अनबॉक्सिंग और डिटेल देख के जल्दी से वापस आइए, फिर इससे रिलेटेड आपको बताते हैं जी। सो ये है गाइज अपने पास हुक्का एयर Fumitech का, ठीक है, ये कुछ इसकी पैकेजिंग है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बैक पे इसकी जो है ना कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया, मैं इस तरफ थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से नजर आ जाए क्योंकि लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ बैक पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरफ इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है और इस साइड पे जो है ना Fumitech की ब्रांडिंग दी गई है, ठीक है। सो हमें एक ही पार्सल रिसीव हुआ है, ठीक है, सो अभी इसे जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सो अनबॉक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारी एक प्यारी सी डिवाइस Fumitech निकल के आ गई है, ठीक है, ऑफ कोर्स डिवाइस तो आएगी, इसको करते हैं साइड पे। सो नीचे की तरफ एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसके अंदर एक मेटल का रिंग मिला है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक यूजर मैनुअल कार्ड आ जाता है जी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ठीक है, ये कुछ इस तरह की है। और उसके बाद एक टाइप सी की केबल दी गई है, ठीक है, टाइप सी टू टाइप सी, ये जो मतलब केबल है दूसरी डिवाइसेस की निस्बत थोड़ी लंबी है, ठीक है, लंबी केबल दी है। सो सब चीजों को कर लिया जी, साइड पे अपनी डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइस में सबसे ऊपर हमारे पास जो है ना आप लोग देख सकते हैं एक ड्रिप ट्रिप है, या जिसे हम लोग जो है ना माउथ पीस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस ड्रिप ट्रिप को खोलने के लिए हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन का बटन है तो यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके इस जो मतलब मेटल का रिंग है इसको ऊपर की तरफ करेंगे और ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ना हम अपने पोर्ट्स को खींच के निकाल लेंगे। तो पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट हमारे पास 6 ml कैपेसिटी के साथ आता है, ठीक है, और 0.4 रेजिस्टेंस के साथ, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और काफी बड़ा पोर्ट है ये। इसका ड्रिप ट्रिप है, ड्रिप ट्रिप में खोल के देखता हूँ अगर खुलता है कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो ड्रिप ट्रिप को खोलने की मैंने काफी कोशिश की है लेकिन ये नहीं खुल रहा, तो आई थिंक ये फिक्स ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे है जी अपना पॉपअप रबड़ प्लग जैसे कहते हैं, या पॉपअप प्लग जैसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लिक्विड को फिल किया जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग जो है ना लिक्विड फिल कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे कर दिए जी इसके टैंक को फुल, ये इसके रबड़ को जो है ना हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़े तो प्लीज रिमूव इट बिफोर यू यूज, ठीक है। सो इसे हम जो है ना रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी कॉयल है, कॉयल आई थिंक चेंज नहीं होती, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्ट चेंज होता है। इस पोर्ट को हम लोग वापस अपनी जगह पे लगाते हैं, ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल मतलब अपनी जगह पे बैठेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट इधर बिठा के उसके ऊपर इसका जो रिंग है मेटल रिंग, इसे हम लोगों ने जो है ना अपनी जगह पे कर देना है, ठीक है। उसके नीचे जैसे ही आए तो यहाँ पे एक और बड़ा रिंग है, ठीक है, ये है जी एयर फ्लो के लिए, यहाँ से एयर फ्लो क्लोज, ठीक है, और यहाँ से एयर फ्लो ओपन। नीचे की तरफ हुक्का एयर लोगो बनाया गया है Fumitech का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंकी, स्ट्रीट मंकी, ठीक है, यहाँ पे जो है ना लिक्विड विंडो दी गई है, इसके अंदर हम लोग अपना जो है ना लिक्विड भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे Fumitech लिखा गया है, ठीक है, उसके लोगो के साथ, और इस तरफ और कुछ नहीं है, ये नीचे की तरफ खुलता वुलता नहीं है, टाइट है, ठीक है, मतलब क्लोज है। और उसके बाद अगर बॉटम की तरफ जाएं तो टाइप सी की हमारे पास केबल आ जाती है, और इसके अंदर जो बैटरी है वो 3200 mAh बैटरी है, 3200 mAh बैटरी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बैटरी है इसके अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको ऑन ऑफ कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखें अगर वो एक बटन सा दिया गया है, ठीक है, बटन प्रेस नहीं होता, स्लाइड करता है, ठीक है, सेंटर में ऑफ है। इस साइड पे जो है ना इसका नॉर्मल जो है ना फ्लो बनता है, नॉर्मल स्मोक बनाती है, और इस साइड पे ये डिवाइस ज़्यादा स्मोक बनाती है और सेंटर में ऑफ हो जाती है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बॉडी की बात की जाए तो एक्रेलिक की बॉडी है, अंदर की तरफ मेरे ख्याल से इन लोगों ने जो है ना कह सकते हैं आप एक शीट सी बना के डाली हुई है, बाकी ऊपर जो है ना एक्रेलिक प्लास्टिक है। और अभी आप लोग देखिएगा मैंने लाइट बंद की है, यहाँ पर इसकी LED ज़्यादा ब्लिंक करेंगी, ठीक है,
ये आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, जब भी आप पफ करेंगे डिफरेंट कलर्स में इसकी एलईडीज ब्लिंक करेंगी। सो ये था जी ओवरऑल व्यू फूमी टेक हुक्का एयर का, यूनिक सी डिवाइस है, ठीक है। सो अभी चलते हैं बैक कैम की तरफ, इसकी हार्डनेस और स्मूथनेस से रिलेटेड आपको बताते हैं जी। सो लेट्स गो गाइस। सो वेलकम बैक हो गया जी, आप लोग आ गए इसकी स्पेसिफिकेशन देख के, इसकी डिटेल्स देख के, इसकी अनबॉक्सिंग देख के। आप लोगों ने देखा इसके साथ हमें क्या कुछ देखने को मिला है। इसके साथ एक टाइप सी की पोर्ड है, इसके ऊपर का एक मैग्नेटिक रिंग है, ये जो क्लिप है इसके ऊपर ये लॉक वाला क्लिप है, दूसरा इसके साथ मैग्नेटिक क्लिप आता है, ठीक है। और उसके बाद यूजर मैनुअल कार्ड, इसके अलावा इसके साथ दूसरा मतलब ना पोर्ट आया है ना इसकी दूसरी कॉइल्स आई है। इनके साथ इनको जो है ना एक पोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिवाइसेज इतनी ज़्यादा जो है फेमस नहीं होती कि इनके जो एसेसरीज हैं इजीली मिल जाएं, तो इसके साथ इनकी जो है ना एक पोर्ट मेरे ख्याल से देनी चाहिए थी। डिवाइस देखने में काफ़ी जो है ना कूल है, ठीक है, एक लंबी सी डिवाइस है, मेरा हाथ तो छोटा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैसे मेरे हाथ में बैठ रही है, ठीक है, लेकिन जिनके हाथ बड़े हैं उनके हाथ में आसानी से ये फिक्स आ जाएगी। एक डिवाइस कॉम्पैक्ट डिवाइस नहीं है, मतलब इसे एक जगह बैठ के आराम से चिल करके वापस रख दें, इसके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन इसको लेके ट्रेवल करना एक अजाब है, क्यों, काफी बड़ी डिवाइस है, ठीक है। इसके साथ जो बैटरी है 3200 mAh है, बैटरी काफी लॉन्ग है, ठीक है इसके अंदर, लेकिन LED भी काफी सारी लगी हुई है जो मैंने आपको बताया है, जो पफिंग के दौरान ब्लिंक करती है, उनसे भी जो है ना बैटरी काफी कंज्यूम होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैटरी फिर भी बहुत बड़ी है। एक चीज इसमें जो मुझे पसंद नहीं आई वो इसका माउथ पीस है, ड्रिप ड्रिप है, आप लोग भी देख सकते हैं इसका ड्रिप ड्रिप, ठीक है। ये बिल्कुल ही जो है ना लो क्वालिटी का, और जो है ना मतलब इसके अंदर जो आप लोग कह सकते हैं सबसे मेन जो खामी है वो इसका ड्रिप ड्रिप है। इसको थोड़ा सा प्रीमियम होना चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी लुक जो है ना और अच्छी निकल के आती। मुश्किल नहीं है, लंबा इतना ही होता, लेकिन इसकी जो क्वालिटी, इसका मटेरियल है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। ये जैसे हार्ड प्लास्टिक नहीं होती, अक्सर आप लोग खिलौने वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें देखते हैं, उसी तरह का इसका हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। इसके अंदर MTL आप नहीं यूज़ कर सकते, इसके अंदर जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ DL यूज़ करते हैं, मतलब फ्री बेस लिक्विड सॉल्ट निक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसके अंदर फ्री बेस आपके सामने डाला है मैंने, अभी इसका स्मोक चेक करते हैं, स्मोक काफ़ी क्लाउडी होने वाला है। सो आप लोगों ने देखा इसका स्मोक कितना ज़्यादा बनता है, आप लोगों के सामने मैंने ट्राई किया, अच्छा खासा क्लाउडी स्मोक बनाती है ये डिवाइस, ठीक है। डिवाइस मुझे स्मोक के लिहाज से बहुत पसंद आई है, स्मूथ भी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल आप लाइट सा पफ करेंगे तो अच्छा खासा स्मोक बनाती है, ठीक है। ऐसी डिवाइसेज अक्सर लोग जो है ना यूज़ करना पसंद करते हैं। और उसके बाद इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो UAE में आई थिंक ये 200 अबव होने वाली है, 250 से नीचे होने वाली है, पाकिस्तानी मार्केट में 10 to 12,000 होने वाली है इसकी प्राइस। सो आई होप ये मज़ेदार सी वीडियो हुक्का एयर फ्यूमीटेक पे जो बनाई है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन की कीजिए प्रेस, ताकि हर न्यू आने वाली मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मिलते हैं जल्द ही एक नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।